तो देख सकते हैं टेक चैनल चलाने वाले सबसे बड़े यूट्यूबर मनोज दे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो देख सकते हैं ज्योति श्री महतो जिनके साथ वो लगातार 3-4 सालों से रिलेशनशिप में थे, जो कि उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया है। इस वीडियो में ही आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि शायद इन लोगों ने लव मैरिज कर लिया है, और ऐसा बताया जा रहा है कि रातों रात ये घर से भागकर शादी कर लिए हैं। मनोज दे ने बताया कि अपने माता पिता को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव के लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, इस तरह की बातें खुद मनोज दे ने बताया। तो साफ तौर पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 4 साल से लगातार रिलेशनशिप में रह रही ज्योति श्री के साथ मनोज दे ने शादी कर लिया है। आप स्पष्ट तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं, आप लोगों ने मनोज दे को बहुत सारे वीडियो टेक चैनल के रूप में, ब्लॉग के रूप में बनाते देखा होगा, काफी सुर्खियों में रहते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, टेक चैनल को लेकर काफी अग्रसर रहते हैं, युवाओं को लेकर काफी युवा इनसे प्रेरित भी होते हैं वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारे लोग इनसे मिलने पहुंचते हैं। तो चलिए सीधे मनोज दे से हम बात करते हैं और सुनते हैं, जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। आज की इस दिन की बहुत बड़ी खुशी वाली बात है, क्योंकि लाइफ में इंसान का शादी एक ही बार होता है, और खुशी तो है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दुख भी हो रहा है अंदर से, क्योंकि हमारे साथ मेरे हमारे पेरेंट्स नहीं है, ठीक है ना, इनके घर से कोई है ना मेरे घर से कोई है, क्योंकि हमने काफी मनाने का कोशिश किया था, ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट ऐसा कुछ कदम उठाए हैं, बहुत मनाए, घर वालों को बहुत ज्यादा ट्राई किया कि हम लोग एक दूसरे में खुश रहेंगे, हम लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं, हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम लोग साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं किस बात का डर है पता है, बस दो ही बात का डर है कि अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, गांव क्या कहेगा, ठीक है, तो ये चीज होता है, गांव में थोड़ा बहुत ऐसा मेंटेलिटी है। लेकिन मैं अभी ये भी बोलना चाहूंगा, कोई इस वीडियो के थ्रू गलत इन्फ्लुएंस मत हो जाना, अगर आपको लव मैरिज करना है वो भी इंटरकास्ट मैरिज, समझ रहे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इस चीज को लेकर के, लेकिन हम कर रहे हैं तो इसमें दो पॉजिटिव पॉइंट है। पहला, आई एम मैच्योर, दोनों ही मैच्योर है, ठीक है, हमारा 26 मेरा एज हो रहा है, इसका भी बराबर ही होगा करीब, तो मैच्योर भी है, हमें सही डिसीजन और गलत डिसीजन का पता है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, हम लोग अपना लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं, और हम 2-3 साल से रिलेशनशिप में है, तो हमें एक दूसरे को हम लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए थे, पता भी है कि वो मुझे मैनेज कर पाएगी कि नहीं, हम लोग जिंदगी पूरा गुजार पाएंगे कि नहीं, और मुझे भी पता है मैं उसके साथ रह पाऊंगा अपने, तो इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। लेकिन हाँ, आप लोग इस वीडियो के थ्रू गलत इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि बाप माँ के अगेंस्ट में जाकर के शादी कर लो, मैं भी अगेंस्ट में जाकर के शादी नहीं किया, मैंने काफी मनाने का कोशिश की, खुश तो रहेगी, इतना खुश है, देखो फेस से खुश है ना, ऐसे प्रतिशोध दांत हमेशा चमकते रहे तुम्हारे, इस मोमेंट को पाने के लिए बहुत हमने बहुत कुछ सुना है, ठीक है, इधर से उधर फिलहाल, लेकिन एकदम अच्छे टाइम पे हम लोग शादी में पूरा माँ का आरती चल रहा था, पूरा 2023 में ही हो गया, फेवरेट नंबर 2-3 धंधा है।